हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर टॉपिक शॉर्टकट कीज़। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज़। जैसे एमएस पेंट में अपन शॉर्टकट कीज़ यूज़ में ले सकते हैं, जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ में ले सकते हैं, फिर अदर जो भी अपन कंप्यूटर पे वर्क करते हैं उसको ईजीली और फास्टेस्ट तरीके से काम करने के लिए हम शॉर्टकट की को यूज़ में ले सकते हैं। तो आपको ये सारी जो मैंने शॉर्टकट कीज़ में आपको बता रही हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है और इनको लर्न भी करना है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हो तो लिखा हुआ है टू ओपन अ न्यू फाइल। आपको जैसे आप एमएस पेंट खोल रखा है आपने, या फिर डॉक्यूमेंट आपने खोल रखा है, एमएस वर्ड विंडो खोल रखी है और आपको न्यू पेज चाहिए या फिर आपको न्यू फाइल चाहिए, है ना, कि आपने एक फाइल पर एक पेज आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा चाहिए तो आपको नई चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन आप प्रेस करोगे तो न्यू फाइल आ जाएगी। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप शॉर्टकट की यूज़ भी नहीं लेते हो तो आपको फाइल मेन्यू में जाके वहाँ पे न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करके देन फिर आपके सामने न्यू पेज आएगा। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्या है, टू ओपन अ न्यू फाइल। न्यू फाइल को ओपन करने के लिए क्या आएगा, कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। अब सेकेंड है टू ओपन अ सेव फाइल। जैसे कोई फाइल आपने सेव कर रखी तो उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, शॉर्टकट की कौन सी हुई, कंट्रोल प्लस ओ। थर्ड है टू सेव अ फाइल। जैसे कोई आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, फिर कोई फाइल तैयार की है तो आपको उसको सेव करना है। अब आप उसको सेव करने के लिए या तो फाइल मेन्यू में जाके आप सेव के ऑप्शन पे जाइए या फिर कंट्रोल प्लस एस। जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो, कोई ऐसे टाइप कर रहे हो एंड आपको बिजली अगर चली जाती है और आपने उसको सेव नहीं किया, तो आप जब टाइप कर रहे हो उसी वक्त आपको कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर देना चाहिए, ताकि अगर बिजली चली भी जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट सेव रहेगा, आपकी फाइल सेव रहेगी, वो डेटा कहीं नहीं जाएगा। तो जैसे भी यहाँ पे दे रखा है कंट्रोल प्लस एस, फाइल को सेव करने के लिए अपन क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एस। फोर्थ है टू प्रिंट अ फाइल। कोई भी फाइल उसको प्रिंट निकालने के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस पी, यहाँ पे दे रखी है, आप देख रहे हो कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट आउट निकालने के लिए शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट करने के लिए, ओके। फिफ्थ नंबर की है जो अपन ने काफ़ी बार पढ़ ली है शॉर्टकट की, कॉपी। तो कॉपी के लिए कोई भी डुप्लीकेट चीज़ हमें एज इट इज़ वैसी की वैसी चाहिए, तो हमें सबसे पहले उसको कॉपी करना चाहिए। कॉपी के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस सी, कॉपी की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी। अब आगे देखिए, आगे है पेस्ट। कॉपी के बाद जैसे आपने एक लाइन की कॉपी कर ली, अब एज इट इज़ वो लाइन जहाँ प्रेस आपको डालनी है कि मुझे ऐसी कैसी लाइन है ये यहाँ पे डालनी है, तब आपको फिर उसको करना पड़ेगा पेस्ट। तो कंट्रोल प्लस सी के बाद उस लोकेशन पे ले जाके कर्सर को वहाँ छोड़ोगे, तब आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस वी, तो जितना पार्ट आपने कॉपी किया है वो एज इट इज़ वैसा का वैसा वहाँ पे आ जाएगा। तो पेस्ट की शॉर्टकट फॉर्म कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। अंडू की शॉर्ट फॉर्म कौन सी है, शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस जेड। एंड रीडू, रीडू की कंट्रोल प्लस वाई। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, अच्छे से लर्न करना। अंडू की होती है कंट्रोल प्लस जेड एंड रीडू की होती है कंट्रोल प्लस वाई। अब है जैसे आपने कोई एक ऐसे तैयार किया है, तो आप ये चाहते हो कि उसकी हेडिंग जो है वो बोल्ड हो जाए, जो आपने लिखी है वो अक्षर जो है, जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है वो बोल्ड हो जाए, थोड़ी डार्क दिखे, तब आप उस टेक्स्ट को, उस लाइन को सेलेक्ट करोगे एंड कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते ही वो सारा जितना आपने सेलेक्ट किया है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो टेक्स्ट, वो वर्ड्स क्या होंगे, थोड़े डार्क हो जाएंगे, ठीक है। अब 10 नंबर की है, तो 10 नंबर की देखिए इटैलिक्स। तो इटैलिक्स मींस होता है जैसे आपने ये नॉर्मल आप देख रहे हो तो इंग्लिश जो लिखी हुई है, तो ये सारे लेटर्स जो सीधे हैं थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं इटैलिक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कंट्रोल प्लस आई। अब है अंडरलाइन। जैसे टू सेव अ फाइल को आपको नीचे एक अंडरलाइन देनी है, एक लाइन खींचनी है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए देन प्रेस कंट्रोल प्लस यू, तो वो उसके नीचे एक अंडरलाइन लाइन आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये शॉर्टकट की है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करनी है और अपनी नोटबुक में करनी है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।